हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति का किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज और क्रिएटिन वैल्यू ज़्यादा है तो कौन से डाइट टिप्स उनको फॉलो करने चाहिए, जनरल प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट क्या है वैसे लोगों के लिए, एक जनरल पैटर्न डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक फूड्स क्या खाने चाहिए क्या नहीं खाने चाहिए हाई क्रिएटिन वाले पेशेंट्स पर, उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोज़ किए हैं। आज हम बात करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जिसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है यदि आपको किडनी का प्रॉब्लम है या क्रिएटिन ज़्यादा है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो यदि किसी व्यक्ति का अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो बेसिक डाइटरी कॉन्सेप्ट या सब चीज़ों के लिए आपको किसी भी बीमारी की तरह एक डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए। होप थेरेपी ट्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि किडनी फेलियर और हाई क्रिएटिन वैल्यूज़ बहुत सारे अलग कारणों से हो सकते हैं और घर पर बैठ के अगर आप उसको मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो गड़बड़ियाँ होने का चांस ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपको कौन से टाइप का किडनी फेलियर है, आपको क्रिएटिन वैल्यूज क्यों बढ़े हैं, आपको कितना सीवियर किडनी फेलियर है, आपको किडनी किस लेवल पर फेलियर है, प्री रीनल है, इंट्रिंसिक रीनल है, पोस्ट रीनल है, ये सारी चीज़ों को फ़र्क करना ज़रूरी है। किसी को कोई किडनी में इन्फेक्शन की वजह से होता है, किसी को इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, किसी को किडनी में पथरी की वजह से होता है, किसी को ट्यूमर की वजह से होता है। यदि आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो बीमारी को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वैसे केस में फिर आप कुछ का कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ का कुछ मैनेजमेंट करेंगे और आपका ओवरऑल डाइटरी पैटर्न या सब कुछ समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए कि भाई मुझे किडनी का प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और मुझे किस टाइप का किडनी फेलियर है। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट में ये आता है कि आपको प्रोटीन का इंटेक कम करना है। अर्ली स्टेजेस में जब किडनी फेलियर है तो आपको एनिमल बेस्ड प्रोटीन, चाहे रेड मीट हो, पोल्ट्री हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, इनको कम करना है। वेजिटेबल या प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स है जैसे कि लेंटिल्स है, दालें हैं, सोयाबीन है, टोफू है, नट्स है, ये सारी चीज़ों को आप कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो है वो आपकी किडनी पर ज़्यादा वर्कलोड करता है। किडनी को अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलता है तो उसको मैनेज करना थोड़ा ईजी पड़ता है। किडनी फेलियर के अर्ली स्टेजेस में आपको प्रोटीन को कम करना है, पूरा बंद नहीं करना है। नॉर्मली रिकमेंडेड रहता है कि किडनी के पेशेंट्स में, रेगुलर पेशेंट में रिकमेंडेड होता है कि 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट आप प्रोटीन लें, यानी 60 किलो का व्यक्ति 60 ग्राम प्रोटीन दिन भर में लेगा। हमारी नॉर्मल डाइट में अगर हम प्रोटीन एक्स्ट्रा नहीं लेते तो 10-12 ग्राम ही होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए हमारी इंडियन डाइट में तो वैसे भी मान के चलिए कि प्रोटीन कम ही रहेगा, तो वैसा आदमी अगर प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट कर लेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि ऑलरेडी आपका डाइट में प्रोटीन कम है। रिकमेंडेड ये है कि आपको 0.7 टू 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट रखना है, यानी कि 60 किलो के व्यक्ति को 30 से 40 ग्राम प्रोटीन दिन भर में खाना है। अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ किडनी फेलियर में हो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। एक बार किडनी फेलियर बहुत एडवांस स्टेज में चली गई और शरीर में प्रोटीन कम होने लगा, या किसी को ऐसी बीमारी अगर है जिससे उसका शरीर में प्रोटीन छन रहा है, खाली इसका अगर यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है और प्रोटीन की कमी हो रही है तो आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना है। वैसे केस में 1.2 टू 1.3 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन खाना है, यानी 60 किलो के व्यक्ति को 70 से 80 ग्राम प्रोटीन खाना है अगर किडनी में से प्रोटीन छन रहा है। तो इसमें भी जैसा कि मैंने कहा कि आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना जरूरी है कि आपको कौन से टाइप का किडनी फेलियर है, आपको कम प्रोटीन वाला है कि ज़्यादा प्रोटीन वाला है, यूरिन में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, शरीर में प्रोटीन लेवल्स कितने हैं, ये देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा प्रोटीन लेना है या कम। इन जनरल मान के चलिए कि अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर में वेजिटेबल प्रोटीन ज़्यादा अच्छा है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा अच्छा है एनिमल बेस्ड प्रोटीन के कंपैरिजन में। इसके अलावा जो भी चीज़ों में आप नमक को लेते हैं नमक को कम रखिए, जितना कम नमक आप लेंगे खाने में वो अच्छा है। नमक आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट फेलियर को बढ़ाता है, तो किडनी पेशेंट में वो खाद्य पदार्थ जिसमें नमक ज़्यादा जा रहा है उसको अवॉइड करें। इसके अलावा आपको फॉस्फोरस को भी कम करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स और कुछ प्रोसेस फूड में फॉस्फोरस ज़्यादा होता है। किडनी वाले पेशेंट ये फॉस्फोरस एक्स्ट्रा जो है उसको नहीं निकाल पाते हैं, खासकर जिनको एडवांस स्टेज में किडनी फेलियर होता है, तो वैसे पेशेंट को फॉस्फोरस वाली चीज़ों को कम रखना है। अर्ली स्टेज के किडनी फेलियर में आपको पानी ज़्यादा पीना है, बॉडी के एक्सेसिव टॉक्सिन को, खासकर जब पेशाब आ रही है तो पानी पीने से वो उसको निकाल देता है। लेकिन जब किडनी फेलियर एडवांस हो जाता है और बॉडी पानी को रिटेन करने लगती है तब वैसे स्टेज में आपको फिर पानी का रिस्ट्रिक्शन कितना है वो आपको डॉक्टर के साथ पूछ के डिस्कस करके देखना पड़ेगा। यदि यूरिन बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो फिर आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, डायलिसिस में कितना निकाला जाएगा उसको ध्यान देना पड़ेगा। अर्ली स्टेज में किडनी फेलियर है, क्रिएटिन 2-3 है लेकिन पेशाब अच्छी आ रही है तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, बॉडी को ज़्यादा पानी मिलने से लगभग 2 से 3 लीटर या 4 लीटर तक पानी चाहेगा तो अच्छा है। ऐसा मत करिए कि आप 20 लीटर पानी पीना चालू कर दो, 2 से 3 लीटर 4 लीटर तक पानी अगर आप लेंगे तो अच्छा है, 2 लीटर और 4 लीटर के बीच में हो
बेस्ट। इसके अलावा आपको कोशिश करिए कि पोटेशियम को कम रखिए। पोटेशियम जैसे कि केला है, संतरा है, आलू है, टमाटर है, ये सारी चीज़ में पोटेशियम ज़्यादा होता है। बॉडी का पोटेशियम किडनी वाले पेशेंट में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी को उसको संभालना मुश्किल पड़ता है, कंडीशन बिगड़ती है और ये पोटेशियम बॉडी में जहर जैसा काम करता है, आपकी तुरंत इससे मृत्यु हो सकती है। किडनी वाले पेशेंट में पोटेशियम वाली चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें भी आपको ये ज़रूरी है कि आपका पोटेशियम लेवल कितना है वो चेक करिए, क्योंकि कुछ किडनी फेलियर के ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिसमें पोटेशियम लेवल कम भी हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है। तो वैसे लोगों को उतना रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली अगर पोटेशियम 5 से ज़्यादा है तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। ओलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, फैटी फिश, नट्स, सीड्स, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, ये सारे में अनसैचुरेटेड फैट्स रहते हैं, तो ये अच्छा है आपके लिए। ज़्यादातर किसी भी किडनी वाले पेशेंट में मृत्यु का मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वैसे केस में अगर आप हेल्दी फैट्स लेते हैं, वज़न नहीं बढ़ने देते हैं तो अच्छा है। हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करिए, वज़न को बढ़ने मत दीजिए। वज़न बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसको मेंटेन करेंगे तो अच्छा है। अल्कोहल को अवॉइड करिए, अल्कोहल आपको नहीं लेना है, बने जितना कम अल्कोहल को आप प्रेफर करेंगे उतना अच्छा। इसके अलावा आपको कैफीन भी नहीं लेना है, चाय कॉफ़ी वाली चीज़ों में कैफीन ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा कैफीन लेंगे उतना नुकसान करेगा। एक दो कप दिन भर में कॉफ़ी लेंगे तो चलेगा, चाय लेंगे तो चलेगा, लेकिन 5, 6, 10 कप, 15 कप वैसा मत करिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग चाय या कॉफ़ी अवॉइड करिए। इसके अलावा आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितना है उसको मॉनिटर करिए। शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, खासकर अगर आपको डायबिटीज़ है तो, कि ज़्यादा ब्लड शुगर आपकी किडनी को नुकसान करता है। तो ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड, यानी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को मना होती है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान करेगा किडनी वाले पेशेंट्स में, डायबिटीज़ को बढ़ाएगा और डायबिटीज़ इनडायरेक्टली किडनी को डैमेज करेगा। हाई फाइबर वाले फूड्स को ज़्यादा लीजिए, होल ग्रेन्स है, नट्स है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है, ये सारी चीज़ों में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है और फॉस्फोरस का कंटेंट कम होता है, तो इन सारी चीज़ों को आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा जो चीज़ों में फॉस्फोरस ओवरऑल कम है, जैसे वाइट राइस, वाइट ब्रेड और पास्ता, ये सारी चीज़ें आपके लिए कंपेरेटिवली किडनी के पेशेंट्स में नुकसानदायक नहीं है, फायदा करेगी, क्योंकि किडनी वाले पेशेंट में फॉस्फोरस का प्रॉब्लम होता है। तो रेगुलर पेशेंट को हम ज़रूर बोलते हैं कि आपको वाइट राइस और वाइट ब्रेड ये सब नहीं खाना चाहिए, पर किडनी वाले पेशेंट में अगर आप ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड लेते हैं तो उसमें फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, तो नुकसान कर सकता है। इसके अलावा जो भी खाद्य पदार्थों में ऑक्सैलेट है, जैसे पालक, रुबाब है या बीट रूट्स वगैरह है, इसमें ऑक्सैलेट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो जिनको किडनी की पथरी का प्रॉब्लम है, ऑक्सैलेट स्टोन सबसे कॉमन है, वैसे लोग को ऑक्सैलेट वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, इनको लिमिट करना चाहिए। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में विटामिन और मिनरल्स अच्छे होने चाहिए, ज़्यादा कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन डी ग्रुप के विटामिन आपको लेने चाहिए, बॉडी में इनकी काफ़ी कमी हो जाती है जब आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो। यदि किसी व्यक्ति का अर्ली स्टेज ऑफ किडनी फेलियर है तो आपको प्रोटीन कम लेना है, लेकिन यदि अगर बॉडी वेट कम हो रहा है, बॉडी का मसल मास अगर लूज हो रहा है, तो वैसे केस में आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए भी आपको डॉक्टर का कंसल्ट करना पड़ेगा कि आप प्रोटीन लेना है या नहीं लेना है और कितनी मात्रा में लेना है। इसके अलावा आपके खाने के टाइमिंग को प्रॉपरली मेंटेन करिए। अगर आपका खाना डिवाइडेड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर एक ही बार में आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो तो किडनी पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए या डायबिटीज़ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। मल्टीपल डिवाइडेड डोज में थोड़ा 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 करके आप खाना खाओगे तो वो किडनी को मेटाबॉलिज्म में फ़ायदा रहेगा और किडनी डैमेज को कुछ हद तक कम करेगा। इसके अलावा आपका बेसिक कुकिंग मेथड जो है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा आपको नमक डाल के, शुगर डाल के, फैट्स डाल के या फ्राई करके नहीं बनाना है। बेकिंग, ग्रिलिंग, सॉटिंग, स्टीमिंग करके आप चीज़ों को बनाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा और किडनी पेशेंट्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी प्रॉपर मॉनिटर करना है। यदि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो नमक ज़्यादा लेना है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो नमक कम लेना है। ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली मॉनिटर करना है और नमक के इंटेक को उस हिसाब से ऑल्टर करना है। हर व्यक्ति को हमेशा ही नमक कम रखना है या हमेशा ही नमक ज़्यादा रखना है, ऐसा नहीं है। सेम व्यक्ति में भी कितना ब्लड प्रेशर है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि उसको कितना मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, कितना नमक की ज़रूरत है। इसके अलावा हर पैरामीटर्स को रेगुलर मॉनिटर करिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अभी आपका पोटेशियम कम है, अभी ज़्यादा है, अभी फॉस्फोरस कम है, अभी ज़्यादा है, अभी सोडियम कम है, अभी ज़्यादा है, तो मॉनिटर ही करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर को, शुगर को, ब्लड लेवल्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्रिएटिनिन वैल्यूज़ को मॉनिटर करना पड़ेगा। इससे ही आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें सुधर रही है, बिगड़ रही है, ट्रेंड्स कैसा है और क्या चेंजेस की आवश्यकता है। आपको अगर जानना है तो रेगुलर आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। और क्या खाना पीना आप खा रहे हैं उसका प्रॉपर फूड डायरी मेंटेन करिए, प्रॉपर पहले से प्लान करके उसको खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप कुछ भी हिसाब किताब नहीं रखते तो आप क्या खा रहे हो, कब आपके पैरामीटर्स ठीक रह रहे हैं, कब गड़बड़ रह रही है, कुछ अतः पता नहीं रहता, तो इसलिए कोशिश करिए
कि दिन भर में जो भी आप खाते हैं उसको एक डायरी में एंट्री कर लीजिए कि मैंने इस दिन ये खाया था, ताकि बैक डेट पे भी जाके आप चेक कर सको कि मैंने इस दिन ये खाया था, ये नहीं खाया था और इससे मेरी हालत बिगड़ी, ये लास्ट महीने मैंने डेली प्रोटीन खाया था इसलिए मेरा पोटाशियम ऐसा हुआ, या इसलिए मैंने केला ज़्यादा खाया था या आलू ज़्यादा खाया था या टमाटर ज़्यादा खाया था इसलिए पोटाशियम बढ़ गया। तो आप इसको बैक डेट पे जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर आप पूछोगे दो दिन पहले क्या खाया था या पाँच दिन पहले क्या खाया था, वो ज़्यादातर लोग को याद नहीं रहता, लोग भूल जाते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए आप बेटर है कि उसका डायरी मेंटेन करें तो अच्छा है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ यूज़फुल पॉइंट्स आपको जानने को मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।